अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम है जी आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज मैं कर रही हूँ अपने स्टोव की क्लीनिंग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। इसमें नीचे जो है ना कोयले जमा हो के राख भर गई है सारी, और यहाँ से स्लैब भी पूरी काली हो गई। पहले ऐसा होता था, स्लैब साफ़ सुथरी थी ना, तो मैं यहीं पर रोटी पहन लेती थी। अब मुझे इतना प्रॉब्लम होता है, तो मैंने बोला चलो मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। मैं इसको साफ़ किससे कर रही हूँ? ये है बैटरी का पानी, जो आपको पता है एसिड बन जाता है। तो ये मैंने ना संभाल के रखवाया हुआ था, मैंने मलिक साहब को पता है, पानी मुझे दे दो, मैं इससे वॉशरूम की क्लीनिंग करूँगी। वॉशरूम की क्लीनिंग तो मैंने कर दी, इसके बाद मैंने इससे अब ये भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि ये काला हटाएगा नहीं हटाएगा। तो यही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर एक्सपेरिमेंट मेरा हुआ कामयाब तो आप लोग भी ऐसे करिएगा। तो आप फॉलो मी कीजिए, मैं जा रही हूँ अपने काम की तरफ, देखते रहिएगा वीडियो को, प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा विदाउट स्किप के, ऐड भी देखा करें, सही है? तो अभी चलते हैं हम अपने काम की तरफ। पहले स्टॉप कर, इसकी जाली पे भी ना सारा कचरा भर गया। अभी मैं इसको बिल्कुल क्लीन कर दूंगी। जब ऊपर कर ताकि मैं थोड़ी बात करूंगी, तो मेरा इतना मुंह आना चाहिए ऊपर कर कैमरे को। तो जी जाली है जो मैंने इसके ऊपर से क्लीन कर दी है, अब मैं नीचे से इसके जो घास सारी जमा हुई है ना वो निकालूंगी, सही है? चले चले नीचे आके बात करना। चलिए जी, ये जितनी राख जमा हुई भी थी ना इधर, वो मैंने सारी खाली कर दी है। स्टोव जो है मेरा यहाँ से साफ सुथरा हो गया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए ऊपर से इसकी जाली गंदी हुई भी थी ना, ये देखें, सही है? ये इसकी जाली साफ हो गई है, और मैं अंदर से भी आप लोगों को दिखाती हूँ भी। ये देखिए अंदर से बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, यहाँ पे बहुत सारी राख जमा हो गई थी, ये मैंने अभी खाली करके नीचे रख दी है, सही है ना, फेंक दी है सारी। तो इसके बाद अब मैं ये जो स्लैब है ना, अब इस स्लैब की सफाई करूंगी, सही है ना? चले ऑन। तो जी अभी मैंने ना अंदर से स्टोव की सफाई कर दी, आपको दिखाया। अभी मैं ना इस पे ये डाल रही हूँ एसिड, यानी कि बैटरी का पानी, सही है? तो इससे मैं अभी स्लैब की सफाई करूंगी। मेरी स्लैब बहुत गंदी हो गई थी ना, इधर मुझे कुकिंग वगैरह करनी होती है। खाना पकाना होता है, कुकिंग करनी होती है, तो मुझे बड़ा मसला होता है। Thank you.
कभी घर में कोई मेहमान भी आ जाता उसके सामने कुकिंग करनी पड़े तो अच्छा नहीं लगेगा, बोले इतनी गंदी जगह पे खाना पकाया, जबकि जगह गंदी नहीं सिर्फ देखिया रख रख के ना काली, तो ऐसा काला हो गया। ये देखिए आपके सामने अभी रिजल्ट आ गया, इतनी गंदी हो रही थी ना। यहाँ से आ थोड़ा ले आएगा जी, ये हो गई है मेरे स्टोव की बिल्कुल अच्छी सी क्लीनिंग, सही है। जो कि करनी बहुत जरूरी थी। अभी मैं ना इसको आपको दिखाती हूँ, ये देखें शुरू में और बाद में आप स्लैब का वो देख सकते हैं, कालक सारी हट चुकी है। और अंदर से जो है ना मैंने इसको, ये जो दीवारें हैं इसकी, ये मैंने खुद ही साफ नहीं करी क्योंकि यहाँ तो मैंने लकड़ियाँ रखनी है ना, तो लकड़ियाँ रखने के बाद यहाँ तो वैसे ही काला कानी है, इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया। मेन चीज स्लैब थी, स्लैब पे मैंने काम करना था तो इस वजह से मैंने इसको साफ कर दिया है। ये देखिए सही है, अभी सेट कर रोक रही हूँ मैं, रोक चले। अभी मैं इसको सूखे कपड़े से भी साफ करके है ना फिर बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके फिर आपके साथ दिखाती हूँ।
और ये जो है ना मेरा फर्स्ट टाइम तजर्बा था कि मैंने बोला एसिड का बैटरी का पानी पड़ा हुआ है मेरे पास, तो मैं उसको यूज करती हूँ काला खटाने के लिए। तो ये तजर्बा मेरा कामयाब हो गया। अब आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चल ये देखिए जी, अभी मैंने अपने किचन को जो है ना कर दिया बिल्कुल साफ सुथरा। सही है। अब आएगा काम करने में भूख मिला। मैं चाह रही थी कि मैं ना इसके ऊपर दोबारा कलर कर दूं, फिर मैंने बोला कलर करने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि कलर करने से तो क्या होगा दोबारा काला हो ही जानी, इस वजह से मैंने नहीं करा। सही है। तो ये मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करी, आप लोगों को कैसी लगी खबर करी। चल सेट कर, अभी मैं एंड कर। इधर सेंड कर, सेंड सीधी हो जाए ना, सबसे एक ही लुक आ रहा है। चले वीडियो ऑन। तो जी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करी है, ये काला असल में ये काला हटाने की वीडियो, मतलब जैसे किसी जगह पे काला जम जाए वगैरह 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 वगैरह। सही है। तो वो हटाने का मैंने फर्स्ट टाइम पे तजर्बा करा था, तो आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इससे पहले कोई कर चुका हो तो बता भी दीजिएगा, मैंने पहली दफ़ा करा। तो आप लोग ना अभी मुझे इजाज़त दीजिए, हम लोग इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। आप लोग इंतज़ार कीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। आप सब अपना अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में सबको याद रखिएगा। तो हम लोग इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।